हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल जो वाइवा पूछा जाता है आपको जब आपका एग्ज़ाम होता है या प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हो, चाहे वो BMLT DMLT पैरामेडिकल की हो या MBBS PG की हो, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज रहता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देन अब चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एल्बिनोमीटर है, इससे हम यूरिन में प्रेजेंट प्रोटीन का पता लगाने के लिए करते हैं। प्रोटीन का कौन सा वाला पार्ट? एल्ब्यूमिन। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें यूरिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कैसी? फिल्टर वाली यूरिन। इसमें मैं आपको प्रोसीजर ही बता देता हूँ पूरा। ये आप देख रहे हैं यू मार्क तक अपन को क्या लेना है? यूरिन। यू मतलब यूरिन समझे, इससे याद रहेगा, मतलब सैंपल लेना है यूरिन यू मार्क तक। इसको हिलाना डुलाना नहीं है, ये इसका स्टैंड है, इस तरीके से रखते हैं। यू मार्क तक अपन ने यूरिन को फिल किया। यूरिन को फिल करने के बाद आप देख रहे हैं एस बैग रिएजेंट है, इसको हमें 3 ml लगभग 3 ml के करीब हमें, ये आप देख रहे हैं आर मार्क तक R4 रिएजेंट, याद रखने के लिए बस मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आर मार्क तक अपन इसमें ऐड करेंगे क्या? एस बैग रिएजेंट। ऐड करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कॉक रबर कैप, इसको इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद अपन इसमें जो इसका रिजल्ट आएगा उसको डिटेक्ट करेंगे। किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा? येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा। मैं इधर साइड में लगा दे रहा हूँ इसका इमेज, पॉजिटिव नेगेटिव। किस तरीके से रिजल्ट आएगा वो आपको पता होना चाहिए। इसमें येलो कलर का नीचे इधर इस तरफ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे येलो कलर का जो है सेडिमेंट बनेगा, प्रिसिपिटेट हम जिसको बोले, दाने दाने टाइप का इधर प्रिसिपिटेट बनेगा। तभी जो है हम मान के चलेंगे यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। इसकी ग्रेडिंग वाइज हम इसकी रिजल्ट देंगे। अगर फुल आता है 4 ग्रेडिंग में तो 4 ग्राम पर 1 ml के हिसाब से इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो ये भी हो गया, इसको मैं लगा देता हूँ, कैप कर रख देता हूँ। कांच का है, टूटने का डर रहता है, ये मैंने बता दिया। एस बैग रिएजेंट